गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सैलरी के बारे में और मॉरिशस के बारे में आज आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। मतलब कि यहां पे कितनी सैलरी है और यहां पे घर कितने का मिल जाता है। तो मैं आज से एक साल पहले भी शायद ये वीडियो बनाई थी, तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे पेज पे, और जो मुझे कमेंट्स वगैरह भी करते रहते हैं। मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने लगा हूँ। सबसे पहले सैलरी के बारे में बताऊँगा, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनके बारे में बताऊँगा, या कोई भी काम नहीं सीखे कि उनकी कितनी सैलरी है, और जो जिनके पास स्किल है और उनकी कितनी सैलरी है, और जो पढ़े लिखे हैं उनकी कितनी सैलरी है, और यहाँ पे घर कितने का मिल जाता है, स्टूडियो टाइप मतलब के रूम, या आप एक फ्लैट वगैरह या कुछ भी रेंट पे लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं तो कितने का मिल जाता है। मैं आज आप लोगों को यही सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। मैं सबसे पहले तो सैलरी के बारे में बात करूँगा, और सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो लोग बिल्कुल भी कोई काम नहीं सीखे हुए, मतलब कि कोई भी काम नहीं सीखे हुए और ना ही वो पढ़े लिखे हैं, तो उनकी यहाँ पे जो सैलरी है, मिनिमम जो सैलरी है, मतलब कि आप 13,000 से 15,000 कमा सकते हो। मतलब कि आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप हेल्पिंग में यो हेल्पर जॉब यहाँ पे मिल जाती है, तो उसमें आपको 13,000 से 15,000 तक इजीली कमा सकते हो। नंबर टू, अब मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जिनके पास कोई हुनर है और कोई काम सीखे हुए हैं, मतलब कि अगर वो नहीं भी पढ़े लिखे वो यहाँ पर कितना कमा सकते हैं। जो लोग काम सीखे हुए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, मतलब काम का एक्सपीरियंस भी है, मैं उनके लिए बताऊंगा वो 15,000 से 20,000 आराम से कमा सकते हैं, मतलब कि वो टाइम लगा के 20,000 से ऊपर भी कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप यहाँ पे आप मतलब कि आपका दिन गुजरते जाएंगे, साल गुजरते जाएंगे, तो यहाँ पे सैलरी हर साल बढ़ती रहती है। और अब हम जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा कि वो यहाँ पर कितने पैसे कमा सकते हैं। वो तकरीबन यहाँ पर वो भी मतलब कि 17-18,000 से ऊपर 20,000, अगर उनके पास भी कोई अच्छी डिग्री है और अच्छा डिप्लोमा किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, मतलब कि कहीं जॉब पहले कर चुके हैं, वो काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। 25,000 भी कमा सकते हैं और 20,000 भी कमा सकते हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। और जो लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ने आए हैं, उनके लिए भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, इजीली तकरीबन मिल जाती है उनके लिए पार्ट टाइम जॉब, मैंने बहुत बार देखा है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको मैं जो नीचे अभी जो नीचे ग्रुप आ रहा है, इस ग्रुप में तकरीबन 90% जो है मतलब कि जॉब मिल जाती है, मतलब कि फेक नहीं होती हैं। नहीं तो काफ़ी सारे ग्रुप में जो आपको फेक जॉब मिलेंगी, लेकिन जो आप जो नीचे ग्रुप देख रहे हैं, इस ग्रुप का नाम नोट कर लें, इस ग्रुप से आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है। और रात को न्यूज़ भी देखें और न्यूज़ में भी आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर हो। तो अभी हम रेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो सबसे जो मतलब के जो रेट हैं, मतलब के 3,000 पे भी मिल जाता है, लेकिन जैसे रूम, छोटा सा रूम ऐसे, लेकिन वो गांव टाइप में मिलेगा, गांव में। अगर आप रोजिल में हो या किसी सिटी में हो, मतलब के 5,000 से 10,000 तक, मतलब के अगर आप दो लोग शेयर रूम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर अच्छी सैलरी है, मतलब के डिपेंड ऑन योर सैलरी। अगर आपकी सैलरी आपके डिपेंड करता है, आप जितना मर्ज़ी महंगा ले लें। और जो लोग यहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छा घर लेना चाहते हैं, वो 10,000 से 15,000 में इजीली मिल जाता है, मतलब के साथ फैमिली लेके आए हैं या उनके लिए, ये मैं बोल रहा हूँ, तकरीबन मतलब के जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब के वैसा आप घर ले सकते हो।
और यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है। अभी यहाँ पे विंटर चल रहा है, यहाँ पे सर्दी का मौसम है, और यहाँ पे जो सर्दी है अगस्त सितंबर तक मतलब के चली जाएगी, उसके बाद यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है। तो मैं अभी पार्क में आया हुआ था, आप पीछे देख रहे होंगे मैं पार्क में आया था, तो यहाँ पर मैं सोचा बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। और थैंक यू जो लोग मुझे मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मुझसे पूछते हैं। तो अभी देखो वो मेट्रो भी जा रही है पास ही, वो मेट्रो भी जा रही है वो ऊपर। मैं जो रोज़िल का पार्क है वहीं पे बैठा हूँ, जो जो बिल्कुल वहाँ पे अभी अभी यहाँ पे एक फेस्टिवल छोटा सा हुआ था फूड का, और जो बिल्कुल रोज़िल बस स्टेशन के साथ ही है, मतलब के 2-3 मिनट वॉक है, आप आ सकते हैं यहाँ पर भी। तो मैं सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एक लाइफ के ऊपर, और मॉरीशस की पूरी मॉरीशस के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आती तो मैं ऐसी बनाना शुरू करूंगा, और दूसरी भी साथ साथ में बनाता रहूंगा, जैसे व्लॉगिंग वगैरह करता रहता हूँ मैं, जगह जगह जाता रहता हूँ। तो आजकल मैं थोड़ा बिज़ी था तो इतनी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग मेरी बहुत वीडियो पसंद करते हैं, तो ये दूसरे लोगों के लिए मैं बना दूंगा जो मतलब के दूसरी कंट्री के हैं, मतलब जो इंग्लिश जानते हैं, मैं इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ सबटाइटल इसके वीडियो में डालूंगा। तो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेना है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी मैं अकेला आया हुआ था यहाँ घूमने, तो मैं सोचा क्यों ना सब कुछ साथ ले जाऊं, आज आप लोगों के लिए वीडियो बना लूं, और आप लोगों को मतलब कि पता चल सके कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, यहाँ पे सैलरी कितनी है। अगर मज़ीद ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ देता रहूँगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं भी अभी चला जाऊँगा, घर चला जाऊंगा, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही घूमने आया था, मैं सोचा स्पेशली आप लोगों के लिए भी आया था, मैं सोचा चलो थोड़ा वहाँ पे एंजॉय करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर ऐसे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम जो नीचे ये आ रहा है इंस्टाग्राम पे, मुझे मेरे फेसबुक पेज भी है, मेरे यूट्यूब के अबाउट में जाएं, आपको वहाँ पे दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।